अनूप सोनी, यानी कि हम सबके अपने लोकप्रिय शो क्राइम पेट्रोल के होस्ट। क्राइम पेट्रोल का नाम लेते ही जिस होस्ट की इमेज हम सबके सामने सबसे पहले आती है वो हैं एक्टर अनूप सोनी। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अनूप सोनी जी का जन्म हुआ 30 जनवरी 1972 को लुधियाना, पंजाब में। उनकी शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई और उसके बाद वो दिल्ली आ गए और उन्होंने NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई की और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने एक्टिंग में अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ समय तक मॉडलिंग की और कुछ प्लेस में काम किया, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने करियर के शुरुआत से ही वो TV सीरियल्स और फिल्म्स दोनों में समान रूप से सक्रिय रहे हैं। उनके करियर के शुरुआती दिनों के कुछ TV सीरियल्स रहे सी हॉक्स, साया, शांति, कर्तव्य और आई लव यू। सी हॉक्स और साया में वो एक्टर आर माधवन के साथ नजर आए थे। इसी के साथ सन 1999 में उन्होंने फिल्मों की तरफ भी रुख किया। सन 1999 में आई फिल्म गॉड मदर, जिसमें कि अनूप का एक सपोर्टिंग रोल था और इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था शबाना आजमी ने, और ये फिल्म क्रिटिकली काफ़ी सराही गई थी। और सन 1999 से लेकर के साल 2002 तक अनूप ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें उनका सपोर्टिंग रोल था, जैसे फिजा, दीवानापन और गंगाजल। इन सपोर्टिंग रोल्स के साथ अनूप ने साल 2002 के बाद कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो काफ़ी सराही गई और अनूप के काम को काफ़ी पसंद भी किया गया, जैसे शीन, खराशें और हम प्यार तुम्ही से कर बैठे। इन फिल्मों के बाद अनूप ने यह डिसाइड किया कि उन्हें अब TV सीरियल से कुछ समय का ब्रेक ले लेना चाहिए। इस ब्रेक के दौरान अनूप ने जो है कई बड़े सितारों के साथ और कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे फुटपाथ, खुशी, कगार, तथास्तु, 10 कहानियां और भी कई सारी फिल्में। यूं तो अनूप का करियर ऐसे भी ठीक ही चल रहा था, लेकिन 2008 के बाद टेलीविज़न में मिलने वाला फेम भी जो है अनूप का इंतज़ार कर रहा था। इस तरह से साल 2007 के बाद अनूप एक बार फिर टेलीविज़न पर लौटे और उन्होंने कई लोकप्रिय TV सीरियल्स में काम किया, जैसे विरुद्ध, कहानी घर घर की। लेकिन उन्हें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली वो 3 TV सीरियल्स से मिली, CID, बालिका वधु और क्राइम पेट्रोल, जहाँ CID में उनके निभाए गए अजात शत्रु के किरदार को सभी ने नोटिस किया, तो वहीं बालिका वधु में निभाए गए उनके भैरव सिंह के किरदार को भी कोई नहीं भुला सकता। ये किरदार अपने आप में इतना स्ट्रांग था, एक ऐसे केयरिंग फादर का था जो उन्हें घर घर अलग ही पहचान दिला गया। इतना ही नहीं, बालिका वधु के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का टेली अवार्ड भी मिला। अब हम बात करते हैं अनूप के सबसे लोकप्रिय शो क्राइम पेट्रोल की। क्राइम पेट्रोल को किसी नाम या पहचान की ज़रूरत तो है नहीं। क्राइम पेट्रोल साल 2003 में सोनी पर शुरू हुआ था और अभी भी ये शो है, ऑन एयर है और इस शो के लगभग 5 सीजन्स हो चुके हैं। लेकिन अनूप ने इस शो के सेकंड सीजन को होस्ट करना शुरू किया था साल 2010 में, और 2010 से लेकर के 2018 तक अनूप ने शो को होस्ट किया। ये काफ़ी लंबा पीरियड था। इसी के साथ 2018 में अनूप को अपने किन्हीं फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना था, जिसके चलते उन्होंने शो को क्विट कर दिया। इसी के साथ क्राइम पेट्रोल के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये पहला क्राइम रियलिटी शो है जो अब तक चल रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। इसी के साथ इसे 20th ITA अवार्ड्स में माइलस्टोन अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि ये जो शो है काफ़ी लंबा चला है। इन TV सीरियल्स के बाद अनूप हमें कई और फिल्मों में भी नज़र आए, जैसे क्लास ऑफ 83 और प्रस्थानम। इसी के साथ अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2, जो इसी साल रिलीज़ हो जाएगी, अनूप हमें इस फिल्म में भी नज़र आने वाले हैं। इसी के साथ अनूप ने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है और वो अब तक कई तरह की वेब सीरीज़ और वेब फिल्म्स में भी हमें नज़र आ चुके हैं, जैसे Zee5 पर रिलीज़ हुई मराठी वेब फिल्म फतेह शिकस्त, उसमें भी अनूप के काम की काफ़ी तारीफ हुई थी। और हाल ही में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ स्टैंडअप, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी, जिसकी वजह से हम सभी इस वेब सीरीज़ के बारे में जानते हैं। अनूप तांडव में हमें कैलाश के किरदार में नज़र आए थे और तांडव में उनके साथ सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया जैसे सितारे और भी थे।
चलिए अब हम बात करते हैं अनूप सोनी जी के निजी जीवन के बारे में। अनूप सोनी के पिता का नाम रहा रमेश चंद सोनी और उनकी माँ का नाम है किरण सोनी। इसी के साथ अनूप ने जो है दो शादियाँ की है। पहली शादी उन्होंने की सन 1999 में ऋतु सोनी जी के साथ और इस शादी से उनकी दो बेटियाँ हैं, जोया और मायरा। लेकिन साल 2010 के आते आते ऋतु और अनूप के बीच की निजी वजहों के चलते तलाक हो गया और साल 2011 में अनूप ने दूसरी शादी की एक्ट्रेस जूही बब्बर से। जूही बब्बर जो हैं एक्टर राज बब्बर और नादिरा बब्बर जी की बेटी हैं और अनूप और जूही की पहली मुलाकात जो है एक प्ले के दौरान हुई थी जिस प्ले को डायरेक्ट किया था नादिरा बब्बर ने। इस शादी से भी अनूप का एक बेटा है ईमान। इसी के साथ अनूप के बारे में एक खास बात ये भी रही है कि वो सन 1993 से लेकर के अब तक अपने एक्टिंग करियर में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं, फिर चाहे वो कॉमेडी हो, विलन का किरदार हो या फिर कोई सीरियस रोल, वो हर किरदार में खरे उतरे हैं। इसी के साथ साथ हर किरदार को वो इतनी सहजता से निभाते हैं कि किरदार के साथ साथ लोगों को भी अपना सा कर लेते हैं। इसी के साथ उन्होंने अब तक 20 से 25 हिंदी फिल्म्स में काम किया है और 30 से 35 उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया है। उनके बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद हम तो यही कहेंगे कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और इसी तरह से हमें ना सिर्फ एंटरटेन करें और आगे भी उन्हें इसी तरह से कामयाबी मिलती रहे। तो ये थी एक्टर अनूप सोनी के बारे में कुछ खास बातें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।